शामिल करते हैं, कई सारे कॉलर्स हमारे साथ अभी जुड़े। गीता जी का सवाल आया है व्हाट्सएप पे हमें, ये दो काउंटर्स पे राय जानना चाहती हैं, दोनों ही निफ्टी के दिग्गज हैं इनके पास। सबसे पहले TCS, इनके पास 20 शेयर्स हैं और काफ़ी ऊपर की 3885 की इनकी बाइंग प्राइस है, और साथ ही HDFC बैंक है इनके पास, हालांकि क्वांटिटी कम ही है, लकीली 30 शेयर्स होल्ड करती है और 1404 यहाँ पे इन्होंने इस काउंटर में एंट्री ली है। अभिषेक देखिए, हम IT पैक की बात कर रहे थे तो आपने IT के दिग्गजों के साथ रहने की एक सलाह दी थी, पर देखिए TCS इनके पास है पर ऊपरी स्तरों की बाइंग है, क्या लगता है यहाँ पे ये स्तर आते हुए हम देख सकते हैं? क्योंकि जब कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था 4500 का, तो कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें एंट्री ली थी, नीचे के स्तरों पे भी ऐड किया था, पर अभी काफ़ी नुकसान में है। और साथ ही HDFC बैंक पे क्या नज़रिया बन रहा है, क्योंकि इसका जो एक आउट परफॉर्मेंस का फेस था कहीं ना कहीं अब ये भी फिजल आउट होते हुए नज़र आया है, पर फिर भी कई सारे इन्वेस्टर्स इसमें जाने के लिए पसंद करते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी की तलाश में ये काउंटर जो है उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। आपकी क्या राय है दोनों पे? सो मैम, मेरा TCS पे ये व्यू है कि अगर आप 3400 3450 का अगर आपको प्राइस मिलता है तो उस लेवल पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं राइट नाउ। तो व्यू यही है कि TCS में आप थोड़ा सा रुकिए, यानी कि अभी, बट ऊपर के लेवल पे डेफिनेटली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा TCS। IT पे हमारा व्यू इतना पॉजिटिव नहीं है। IT में हमारा व्यू यही है कि कुछ रैलीज आ सकती हैं, बट अभी भी स्ट्रक्चरली ना तो मार्जिन एक्सपेंशन जो क्वार्टरली कॉल्स में जो बोल राइट नाउ वो नहीं हो रहा है। और इसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि अभी डील विंस वगैरह में भी कंपनी जो स्पेशली यूरोप साइड की कंपनीज हैं, डील्स इनमें वेट एंड वॉच अपना रही है राइट नाउ। तो आप लेना चाहें तो यही है, TCS में आप बने रह सकते हैं, बट इसमें आप डेफिनेटली ऊपर के लेवल पे बेच के 3400 3500, और अगर आपका 5 साल का व्यू है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म मिलने से 1 से 1.5 साल में मेरे को TCS में कोई बड़ी तेजी यहाँ से दिख नहीं रही है राइट नाउ। दूसरा स्टॉक HDFC बैंक। HDFC बैंक में हमारा व्यू पॉजिटिव है वी बट लेकिन HDFC बैंक में बहुत सारे बिकॉज ऑफ HDFC मर्जर के कारण HDFC दो चीजें हैं कि HDFC के, एक तो सबसे बड़ी बात है कि HDFC के ये फेवर में है मर्जर, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो राइट नाउ HDFC लॉन्ग करके HDFC बैंक शॉर्ट कर रहे हैं, बट इसमें MSCI से निकलेगा तो वो थोड़ा एडजस्टमेंट रहेगा। आई थिंक HDFC बैंक में आप बने रह सकते हैं, और इवन ये जो सेक्टर है यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आप छोटे प्लेयर्स जो हैं राइट नाउ जो काफी डिस्काउंट पे चल रहे हैं उनमें देखा जा सकता है। तो कंपनीज लाइक DCB बैंक हो गई या इवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, तो ये बैंक्स में भी अगर आप बनाना चाहें पोजीशन तो बना सकते हैं राइट नाउ। तो व्यू यही है कि अगर आपको रहना है तो ये स्टॉक्स में HDFC डेफिनेटली एक वर्थ लुकिंग है। इनका लास्ट क्वार्टर नंबर्स में भी देखा जाएगा तो NIA ग्रोथ बहुत अच्छा था, NIMs वगैरह में भी अच्छा था, तो आप ये स्टॉक में बने रह सकते हैं राइट नाउ। दोनों ही काउंटर्स में बने रह सकते हैं, पर देखिए व्यू थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा जब हम TCS की बात करें, और HDFC बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रिटर्न्स की उम्मीद है वो दूसरे काउंटर्स आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए राय, पर अगले कॉलर